डेल्टा फंक्शन हो गया था और यूनिट इंपल्स हो गया था, और इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज चल रही थी, उसी पर आगे स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स फंक्शन। तो जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो गया था मल्टीप्लीकेशन हो गया था राइट, अगर यूनिट इंपल्स सिग्नल को किसी अनदर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स टी डेल टी, तो हमें क्या मिलता है, एक्स नॉट डेल टी। वाई, क्योंकि सपोज दिस इज एक्स टी और इसको मल्टीप्लाई करें यूनिट इंपल्स सिग्नल से, या इंपल्स सिग्नल से किसी से भी मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी केवल इसको इस पर पुट कर दें, इसके ऊपर रख दीजिए, इस सिग्नल को इसके ऊपर अगर पुट किया जाए तो केवल जीरो पर तो एग्जिस्ट कर रहा है और बाद बाकी जीरो पर तो वन से गुणा करेगा। इस जगह की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स नॉट है। यहाँ पर जो वैल्यू होगी एक्स वन होगी, एक्स नॉट का डेल नॉट से मल्टीप्लाई आएगा और बाद बाकी जीरो हो जाएगा, क्योंकि और सब जगह ये जीरो है, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसी तरह से एक्स टी और डेल टी माइनस वन की बात करें तो क्या आएगा, एक्स वन डेल टी माइनस वन हो जाएगा। कैसे, डेल्टी माइनस वन का ग्राफ इस जगह पर आ जाएगा, हाँ है ना, डेल्टी माइनस वन का इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सपोज इट इज एक्स टी तो ओवरलैपिंग कहाँ पर आएगी, एक्स वन हो जाएगा, तो इस जगह पर ओवरलैपिंग आएगी तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी राइट। मल्टीप्लिकेशन इस तरह से, तो केवल एक सिंगल वैल्यू फंक्शन प्रोवाइड कराता है मल्टीप्लाई करने से। सिंगल वैल्यूड फंक्शन प्रोवाइड कराएगा मल्टीप्लाई करने से,
आगे इसमें इसके ऑपरेशंस भी हमें पढ़ने हैं, वो इनर प्रॉपर्टी में ही डाल लो। ऑपरेशंस, सो ड्रा द ग्राफ, प्रॉपर्टी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, दूसरी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, I इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स टी डेल ऑफ टी डी ऑफ टी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स नॉट आ जाएगी। कैसे, चलो इसको प्रूव करते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स नॉट डेल टी, एंड दिस इज ए कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल दें तो ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ऑफ टी डी टी, और इसकी जो वैल्यू होगी वन हो जाएगी, तो एक्स नॉट इंटू वन हो गया, इट इज इक्वल टू वन, क्योंकि चाहे यूनिट इम्पल्स सिग्नल हो चाहे इम्पल्स सिग्नल हो, एरिया अंडर द इम्पल्स सिग्नल वन होता है। तो इसी पर बेस्ड एक और प्रॉपर्टी, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसा। तो अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ टी नॉट डेल ऑफ टी डी टी, तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ टी नॉट एक कॉन्स्टेंट हो गया, डेल ऑफ टी डी टी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वन हो जाएगा, इट इज इक्वल टू वन, तो आ गया एक्स टी नॉट। तो रिमेंबर दिस थिंग, इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स ऑफ टी नॉट। ओके गाइस, तो इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज पर वो देखो। सेकंड प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलो उसको देखते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी सेकंड, सेकंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड प्रॉब्लम देखिए।
माइनस 0.5 से टू टी माइनस 1 होल स्क्वायर डेल टी माइनस 1 प्लस 5 डेल टी प्लस 1 प्लस 6 टी डेल टी टी डेल टी डी ऑफ टी। ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसे मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आप देखिए फिर नेक्स्ट आप लोग ट्राई करिएगा। आई इज इक्वल टू, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ब्रेक कर दीजिए। ऐसा आ जाएगा ऐसा आ जाएगा 6 टी डेल टी माइनस 0.5 से। अब यहाँ पर जो फंक्शन है, क्या फंक्शन है, इसका नाम दे दीजिए फाइव वन टी, फाइव वन टी। यहाँ वन है, इसका नाम दे दीजिए फाइव टू टी। और ये टी का नाम दे दीजिए फाइव थ्री टी। तो क्या आंसर आ जाएगा, इनका इनका प्रोडक्ट हो जाएगा फाइव वन वन, फाइव वन आ जाएगा टी इक्वल टू वन पे, प्लस फाइव फाइव टू आ जाएगा टी इक्वल टू माइनस वन पर, क्योंकि ये माइनस वन पर लोकेटेड है। और ये आ जाएगा फाइव थ्री टी इक्वल टू 6 फाइव थ्री टी इक्वल टू 0। अब फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री सिग्नल कैसे हैं। फाइव वन टी जो सिग्नल है वन पे, इस पर ये वैल्यू अगर रख दी जाए तो कितना आ जाएगा, वन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। फाइव टू क्या है, एक कांस्टेंट सिग्नल है। फाइव टू जो है इट इज ए कांस्टेंट सिग्नल। तो जीरो पर, सॉरी माइनस वन पर वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन पर क्या वैल्यू होगी, इस तरह से मत बनाइए। इस तरह से इसको मत बनाइए, दोनों का प्रोडक्ट देखना है इस रेंज के अंदर। इस रेंज के अंदर हमें दोनों सिग्नल का प्रोडक्ट देखना है। तो ये जो डेल्टी माइनस वन है, इसका लोकेशन कहाँ पर है, वन पर है। और लिमिट क्या दी हुई है, माइनस 0.5 से टू, और
टी माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इस फंक्शन को मान लीजिए, इट इज सिचुएटेड एवरीवेयर। जब किसी फंक्शन के बारे में कुछ ना कहे तो उसे हम सब जगह सिचुएटेड मान लेंगे, तो इट इज लाइक ए पैराबोला। ये जो फंक्शन है पैराबोला है, तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा, यानी वन माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब जरा इसका मल्टीप्लाई करो, डेल्टी माइनस डेल्टी प्लस वन का ग्राफ क्या हो जाएगा, यानी इंपल्स ये हो जाएगी माइनस वन पर, और जो लिमिट है हमारी, लिमिट क्या है, माइनस 0.5 से माइनस 0.5 से 2 है। तो और दूसरा फंक्शन क्या है, 5 है, तो दूसरा फंक्शन क्या है, 1 है। तो ये तो इस रेंज के अंदर सब जगह आ रहा है, लेकिन जो डेल्टी माइनस वन है इस लिमिट से बाहर हो गया, यानी इस लिमिट के अंदर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0। राइट, क्योंकि डेल्टी प्लस वन जो है इस रेंज से बाहर हो गया, तो इन दोनों फंक्शन में अगर ये डेल्टी अंदर होता तो मल्टीप्लाई होता, रेंज से बाहर हो गया, 0 हो गया। अब इसको चेक करते हैं, तो दोनों टी माइनस वन का ग्राफ तो सॉरी टी का ग्राफ तो ऐसा हो जाएगा एवरीवेयर, और माइनस 0.5 से, तो यानी ये आ जाएगा टी इक्वल टू 0 पर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 0, यानी ओवरऑल 0 आंसर आ जाएगा। ओवरऑल जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही नहीं मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो 0 हो जाएगा, 5 नहीं है, 6 है। तो एक तो ये तरीका है कि अलग अलग फंक्शन देखें, मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट निकालें। एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट देखिए इसका, शॉर्टकट ये है, या इसी में एक रूल बना देते हैं, ए से बी फाइव टी डेल्टी माइनस टी नॉट, तो इसके दो वैल्यूज पॉसिबल है। एज्यूम करके चल रहे हैं फाइव टी इज बिलोंगिंग एवरी रियल प्लेन, फाइव टी इज एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, ये मानकर चल रहे हैं कि फाइव टी सब जगह एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलो देखते हैं इसको, तो अगर पहले तो इसका लोकेशन देखेंगे कि डेल्टी माइनस टी नॉट का लोकेशन क्या है, तो डेल्टी माइनस टी नॉट का जो लोकेशन आएगा, यानी टी नॉट पे आएगा,
तो अगर ये टी नॉट इस लिमिट के अंदर आता है तो ये हो जाएगा फाइ टी नॉट इफ टी नॉट इज द एलिमेंट ऑफ इफ टी नॉट इज द एलिमेंट ऑफ ए टू बी। इस लिमिट के अंदर अगर लाई करता है तो ये फाइ टी नॉट हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा इफ टी नॉट नॉट बिलोंगिंग ए टू बी। डायरेक्ट आप जीरो रख सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इधर माइनस टी नॉट आ जाता तो हमें यही चेक करना होगा कि ये जो टी नॉट है वो इस रेंज के अंदर है कि या नहीं है, राइट। तो अगर रेंज के अंदर है तब तो ये आंसर होगा, अगर बाहर है तो ये हो जाएगा। ओके गाइस, नाउ लेट अस सी उसी क्वेश्चन को अब इससे करते हैं। आई इज इक्वल टू क्या था, माइनस 0.57 टी माइनस वन का होल स्क्वायर डेल टी प्लस वन, डेल टी प्लस वन प्लस 5 डेल टी प्लस वन था डेल टी माइनस वन था और ये डेल टी प्लस वन है और एक और था 60 डेल टी। लिमिट वही है, यही क्वेश्चन था हमारा। अभी शॉर्टकट से बनाओ तो इस डेल्टी का लोकेशन, डेल्टी माइनस वन का लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है वन पे और इसकी लिमिट क्या है, माइनस 0.5 से 2 अंदर आ रहा है। तो जब अंदर आ रहा है तो क्या आ जाएगा, ये वाला, तो ये क्या बन जाएगा, टी माइनस वन का होल स्क्वायर सिंपली, क्योंकि ये फाइव हो जाएगा, इसको एज्यूम कर लीजिए एज ए 5 1 टी। अब यहाँ पर वन क्या है, यहाँ पर फाइ टू क्या है, फाइ टू इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट फंक्शन है और इसका लोकेशन क्या है, माइनस 0.5 से 2 इसका लोकेशन है माइनस 0.5 से 2। तो इस डेल टी प्लस वन का लोकेशन लिमिट से बाहर हो गया, माइनस वन पर है, तो जैसे ही लिमिट से बाहर हुआ तो इसकी जगह आप जीरो रख देंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पर डेल टी का लोकेशन क्या आ गया, लिमिट के अंदर है, जीरो जीरो लोकेशन हुआ और जीरो लोकेशन जो है किसके, इस लिमिट के अंदर है, तो क्या आ जाएगा, ये फाइ थ्री टी है इक्वल टू टी है, तो यानी कि फाइ थ्री नॉट आ जाएगा, यानी कि जीरो आ जाएगा, ओवरऑल आंसर आ गया जीरो। क्लियर। तो हमें यही देखना है कि
लोकेशन ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल वो लिमिट के अंदर है भी या नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, जीरो से फोर टी ई रेस टू द पावर माइनस टू टी कॉस 6 पाई टी कॉस 6 पाई टी डेल्टी माइनस वन डी टी। ये अब कैसे करेंगे? तो ये जो पूरा फंक्शन है आप इसका नाम दे दीजिए व्हाट, फाई टी। अब इसका लोकेशन क्या है? वन पर इंपल्स खड़ी हुई है, यानी टी नॉट की वैल्यू वन है। और लिमिट क्या है जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है? जीरो से चार है। तो यानी ये जो लिमिट, ये इसका लोकेशन है इंपल्स का, इस लिमिट के अंदर आ रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? फाई वन। रख दो सब जगह पर वन, तो क्या आ जाएगा? वन इंटू ई रेस टू द पावर माइनस टू इंटू कॉस 6 पाई, जो कि वन हो जाएगा, यानी ई रेस पावर माइनस टू आंसर हो जाएगा। राइट, इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? और यही अगर लिमिट ऐसी हो जाती, यानी कि फर्स्ट ये रहा। और एक क्वेश्चन देखिए, ये हो जाता माइनस टू से 1/2 टी माइनस टू टी कॉस 6 पाई टी डेल्टी माइनस वन डी टी। अभी इस इंपल्स फंक्शन का लोकेशन इस लिमिट से बाहर हो गया, माइनस टू से हाफ, और इसका लोकेशन क्या है? वन पे है। तो इस लिमिट जिसमें हमें इंटीग्रेट करना है उससे बाहर हो गया। तो जब ये डेल्टी का फंक्शन ही नहीं बचा इसके अंदर, तो क्या है? जीरो आ गया डायरेक्ट। ओके, एक फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा फंक्शन ही नहीं है, तो क्या है? दोनों का प्रोडक्ट जीरो हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये शॉर्टकट आई थिंक मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अनदर प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टी इंटू फाई टी माइनस टी नॉट। अगर ऐसा होता तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसके अंदर बाहर देखेंगे तो ये आ जाएगा फाई ऑफ माइनस टी नॉट। चौथी प्रॉपर्टी, डी बाई डी टी ऑफ डेल्टी इंटू फाई टी लिमिट का रेंज है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट।
इसको सॉल्व करते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप इसको प्रॉपर्टी सेकंड से बना सकते हो। यू कैन राइट डी फाई बाई डी टी, डी फाई टी बाई डी टी इंटू डेल्टी डी टी। तो इसका लोकेशन क्या है? जीरो पर है। तो जब इसका लोकेशन जीरो पर है, इसको आप फंक्शन समझिए, तो ये क्या आ जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ फाई टी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी टी इक्वल टू जीरो। ओके ओके गाइस, इसको आप क्या समझिए? फंक्शन समझिए और वही प्रॉपर्टी लगाइए कि ये जीरो इस रेंज के अंदर है कि नहीं। अगर है तो ऐसा आ जाएगा, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। ऐसा कब आएगा? जब टी नॉट दैट इज जीरो इज द एलिमेंट ऑफ ए टू बी, तब तो ये आ जाएगा और डायरेक्ट जीरो भी हो जाएगा इफ टी नॉट दैट इज जीरो डज नॉट बिलोंगिंग द लिमिट ए टू बी। ए क्या है, बी क्या है? व्हाट इज ए इज दिस, व्हाट इज बी इज दिस। ओके, तो ऐसे डिफरेंशिएशन एक बार हो या दो बार हो या एन बार हो, कैसा भी हो, आप इसी से बनाएंगे। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? चार हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी, डेल्टी माइनस डेल ए टी प्लस माइनस बी, डेल ऑफ ए टी प्लस माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन मॉड ए डेल टी प्लस माइनस बी बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं। वाई एक इसके लिए, चूंकि डेल ऑफ ए टी वन अपॉन मॉड ए डेल ऑफ टी, ऐसे लिखा जा सकता है, राइट? डेल ऑफ ए टी प्लस माइनस बी को ऐसे, यानी कि ये दो प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी। तो यहां पर जो है टाइम रिवर्सल की अगर हम बात करें, यानी ए की वैल्यू माइनस वन रख दें, तो डेल ऑफ माइनस टी डेल टी आ जाएगा, सेवेंथ प्रॉपर्टी। तो टाइम रिवर्सल इज सेम, तो टाइम रिवर्सल नो मीनिंग यहाँ पर याद रखिए, यानी कि इवन सिग्नल है। तो इवन सिग्नल का टाइम रिवर्सल वही रह जाता है। तो इन तीन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।